आप हट जाएं अब यहाँ से, हम जा रहे हैं, आप मत आ जाएं, आप मत आ जाएं, इतना ही रखें बस सर, हम बाहर ही जा रहे हैं। सर क्या लगता है 2024 लिमिट लिमिट और पुलिस के जरिए रोका जा रहा है हमें, तो तब इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताने जाना चाहते हैं कि 15 तारीख को हम ये सिर्फ जन भावना सुप्रीम कोर्ट को बताने जाते हैं, पूरा देश। कौन था वो इलेक्शन कमीशन जिसने ये जो गहरा काला शीशा लगवा के फ्रॉड करने का प्लान किया था? ऐसे क्रिमिनल्स को हम मानेंगे कुछ? तो उन्होंने सेट करके ईवीएम मोदी जी को चिताया था 2014 का भी चुनाव में, ये आपको बता रहा हूँ। उसी व्यक्ति ने अमित शाह साहब की बेल कराई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसी व्यक्ति ने पूरे 10 साल मोदी जी और अमित शाह जी को बचा के रखा था, उनके खिलाफ केस नहीं चलने दिया। एक ही व्यक्ति है जिम्मेदार। यकीन है चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, जिसमें जितनी ताकत है लगा ले। ये अंबेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधानवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये और लोग नहीं है। एक बार लग गई तो क्या होगा? कल आचार संहिता लग गई, आचार संहिता क्या संविधान से बड़ी है? इलेक्शन का डेट ये जब हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ना, कौन था वो इलेक्शन कमीशन जिसने ये जो गहरा काला शीशा लगवा के फ्रॉड करने का प्लान किया था? ऐसे क्रिमिनल्स को हम मानेंगे कुछ? समझिए, और आज का इलेक्शन कमीशन मुझे लग रहा है ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है। उसने मना नहीं किया हमें, कलम 50 तो लेने जा रहे थे, शायद तैयार रखी होंगी, तो अमित शाह साहब इतना डर गए कि उन्होंने हमें बाहर ही नहीं जाने दिया। कहीं कोई ईमानदार इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आके 50 छोड़ो एक भी अगर हमारे हाथ में दे दी तो अमित शाह साहब का तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, 4 भी सीटें आनी मुश्किल पड़ जाएंगी। इसीलिए हुआ, इसीलिए पुलिस को आगे क्यों किया गया? कल आपको गिरफ्तार कर लिया गया था सर रास्ते से, इसलिए मुझसे डर के नहीं, ईवीएम से डर के, कहीं ईवीएम हमारे हाथ ना आ जाए। इलेक्शन कमीशन आपको देना ही नहीं चाहता है सर? नहीं नहीं, आपको कैसे पता? कर रहे भाई, कर रहे हैं। इलेक्शन जो पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उनके भी मालिक हैं, पूरे देश के मालिक तो आम जनता ही ना। जब मालिक आ गए, अभी तक कहीं पर किसी राजनेता ने नहीं धरना दिया और ना ही कहीं, नहीं नहीं, आपको ऐसा शायद पता नहीं है ठीक से, राजनेताओं ने चिट्ठी लिखी है सबने, राजनेताओं ने सबने एक्शन लिया है सर। सुप्रीम राजनेता आप हट जाएं अब यहां से, हम जा रहे हैं, आप मत आ जाएं, आप मत आ जाएं, इतना ही रखें बस सर, हम बाहर ही जा रहे हैं। सर क्या लगता है 2024 लिमिट लिमिट सर क्या लगता है 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है? बिल्कुल 100% बैलेट पेपर से ही होगा। एक भी बीजेपी वाले के खिलाफ रेड नहीं की, और जो व्यक्ति पकड़ा जाता है और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके खिलाफ ईडी केस बंद कर देती है। ईडी क्रिमिनल है सर, आप लोग क्रिमिनल ईडी है ये। सर दरअसल ये आज कयास लगाए जा रहे हैं कि जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता है उन सबको चुनाव से पहले ही नजरबंद कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये वकीलों की जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम लोग आके ढाल बन के खड़े होंगे। ये चुनाव से पहले ये धांधली बदमाशी जो ईडी के माध्यम से हो रही है नहीं करने दी जाएगी। ये ईवीएम के माध्यम से बदमाशी नहीं कर, ईवीएम कोई बदमाशी करने का, ईडी कोई बदमाशी का अड्डा नहीं है, ईडी कोई गैंगस्टर नहीं है। कोर्ट का घेराव की जो बात कही है सर, यहाँ से ऐलान किया है, क्यों सुप्रीम कोर्ट का आप लोग क्यों घेराव नहीं कर रहे हैं? घेराव नहीं कर रहे हैं, हमने कल की डेट में ये साबित कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन शायद वोटिंग मशीन देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वहां भी शायद कुछ ईमानदार लोग मौजूद हैं। इसीलिए हमें इलेक्शन कमीशन तक जाने ही नहीं दिया, कहीं कोई भी हमें मशीन ना दे दे। और अगर मशीन हमारे हाथ में आ गई, किसी के हाथ में आज तक इलेक्शन कमीशन ने एक मशीन नहीं दी है, 19 लाख के करीब मशीनें चोरी करवा हो सकती हैं और उसकी कंप्लेन नहीं हो सकती, एक मशीन हमें नहीं दे सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक मशीन नहीं। तो कल हमने ये साबित कर दिया था कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और पुलिस के जरिए रोका जा रहा है हमें, तो तब इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताने जाना चाहते हैं कि 15 तारीख को हम ये सिर्फ जन भावना सुप्रीम कोर्ट को बताने जाते हैं, पूरा देश। आप जो हमारे जितने बयान आ रहे हैं, जितने हमारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें देख लीजिए, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप जाके सब लोग कमेंट्स देख लें, उसमें 95% से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं ईवीएम के खिलाफ, पेपर बैलेट के समर्थन में खड़े हैं। ये 5% लोग वो हैं जो उनकी पेड टीम है, ये वो हैं जो उनके 2 रुपए वाले या 1 रुपए वाले, या हो सकता है क्योंकि पैसे ज्यादा खर्च करने का समय आ गया इलेक्शन से पहले, और महंगे पैसे देके जो उन्होंने अपनी टीम्स लगा रखी हैं मीडिया मैनेज करने के लिए, वो सिर्फ वो लोग हैं। अदरवाइज इस देश में सिर्फ वो ही पेपर बैलेट का विरोध करेगा जो धांधली करना चाहता है चुनाव में, जो चुनाव में धोखा करना चाहता है। सर बीजेपी कहती है कि जहां हम जीतते हैं वहां बोलते हैं विपक्षी लेकिन जहां विपक्षी जीतती है वहां क्यों नहीं होती? हम लोग देश की जनता है ना, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन जहां से भी होगा वो मैनेज होगा, इलेक्शन ईवीएम के जरिए से, वीवीपैट के जरिए से, जहां से भी जो भी कराएगा
नहीं तो सर, जो भी कराएगा हर जगह चोरी हो सकती है, अगर वो हर 100% चोरी होगी ही, कोई बहुत फरिश्ता ही होगा जो इतना बड़ा लालच छोड़ देगा। आप सुनिए, आप मैं आपको बताता हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस और बीजेपी के भी लोग हैं ना, एजेंट्स बार बार छोड़ के भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो लॉजिकल नहीं है। तो वो उन लोगों को जिताते हैं जिनको वो कभी ना कभी अपने पास ले सकते हैं दिखाने के लिए, और ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जितवाते हैं। ये ईवीएम एक ऐसी चीज है, इसमें तो पूरे देश की 543 सीटें जीत सकते हैं, कहीं 100 वोटों से जीत जाएंगे, कहीं 50 से जीत जाएंगे, कभी 1 लाख से जीत जाएंगे। तब आप सवाल कर जाओ, एक मिनट पहले मैं अपनी सवाल, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूँ जो आप लोगों को फेस नहीं करूंगा। मैं पहली बात ये बोलता हूँ, जर्नलिस्ट को मैं उसको मानता हूँ जो सामने खड़ा है व्यक्ति उससे सबसे कड़वा सवाल पूछे, वो जर्नलिस्ट नहीं है जो लिहाज करके सवाल पूछता है। तो मेरी बात सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ कि कंट्रोल हाथ में है, किसी को जिताना है, किसी को हराना है, किसी को 1 वोट से जिताना है, किसी को 1 लाख वोट से जिताना है, या 5 लाख वोट से जिताना है, ये सब किसी एक आदमी के हाथ के कंट्रोल में आ जाता है। तो वो अब सरकारें किसकी बन रही हैं, सेंटर में किसकी सरकार बन रही है और किस तरीके से बन रही है, वो महत्वपूर्ण बात है। आपको ये समझना चाहिए, अभी 3 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया ना, इतने बड़े बड़े नेताओं को, क्यों? क्योंकि उनको बोला गया होगा मीटिंग्स में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ईवीएम से हमने जिताया चुनाव। अब आप अपना सवाल पूछिए। सर, आजमगढ़ में 10 के 10 सीट समाजवादी पार्टी जीती है जी, तो वहाँ ईवीएम चोरी क्यों नहीं किया बीजेपी? उनको जरूरत नहीं थी ना, यानी आजमगढ़ में मुझे आप बता दीजिए कि आजमगढ़ में चीफ मिनिस्टर का चुनाव का डिसीजन होता है या पूरे उत्तर प्रदेश में होता है? पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आजमगढ़ की 10 सीटें जीत के क्या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की पद पे कोई फर्क पड़ गया या नहीं पड़ गया, बताइए। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई 10 सीटें हारने से चीफ मिनिस्टर के पद पे कोई फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, बताइए, जवाब दीजिए। आप भी तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, नहीं फर्क पड़ा ना कोई भी? नहीं पड़ा। आप मत बोले, आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक मिनट हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं सवाल का? हाँ। नहीं पड़ता ना फर्क कोई, यही वजह है। आजम खान साहब वहां से वो हैं, तो आप जो ये सवाल कर पा रहे हैं मुझसे सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया, लेकिन जो उनका ध्येय था ईवीएम के माध्यम से चीफ मिनिस्टर बनाना और वो करना जो कभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, किसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, वो करना उनका ध्येय था, हो गया ना सॉल्व। आज कोई सवाल उठा पा रहा है हम जैसे ईमानदार लोगों के सामने खड़ा होके, तो वो इसी धांधली की वजह से कि कुछ जगह जिता भी देते हैं। सर, क्या चुनाव आयोग आप लोगों की बात मानेगा, क्योंकि ये काफी दिन से विरोध चल रहा है ईवीएम को लेकर, अभी तक नहीं आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा पाए? ये सवाल 2024 में हो सकता है, ये सवाल आप बेहतर होगा, एक शास्त्री जी हैं अभी नए, वो बहुत एक तेजी से ऊपर बढ़े, वो पर्ची निकाल के बताते हैं भविष्य में क्या होगा। हमें ऐसा लगता है और उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, हम इस पर सर कह रहे हैं कि काफी हमें आप सुन लें, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात, बैकग्राउंड तो बना लूँ पहले। आपने भविष्य के बारे में, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा अंदाजा लगा सकता हूँ, चुनाव आयोग को बंधक बना रखा है अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने, कल हमें मिलने ही नहीं दिया ना, अब तो हम चिट्ठी लिख के उनसे कुछ पूछ नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख के हमारे जवाब नहीं दिया कि मना कर दूं, जैसे जयराम रमेश जी को मना कर दिया ना, हमारी चिट्ठी का जवाब देकर उन्होंने ना नहीं किया अभी तक, समझ रहे आप बात? चुनाव आयोग बंधक है, जैसे हमें कल बंधक बनाया था ना, वैसे बंधक है। अब एक बंधक व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हो? सर, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है तो फिर किस पर विश्वास? हम क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो बंधक है उस पर विश्वास ना विश्वास क्या करे, पहले हम जाकर उन्हें आजाद कराएंगे, पहले हम उनको ताकत देंगे, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस क्या कह चुके हैं कि हम पे दबाव है, सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अभी जस्टिस कॉल रिटायर हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हमसे ऑपोजिशन का काम एक्सपेक्ट मत करो, ऑपोजिशन का काम आप करो, ऑपोजिशन का काम ये है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ताकत देंगे, अगर हम इलेक्शन कमीशन को ताकत देंगे, उनको एक तरीके का जो बंदी बना के रखा हुआ है, केश पैरेट की टर्म सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए यूज की थी, आज शायद बहुत सारे केश पैरेट्स हैं, अगर उन्होंने उनके पिंजरे खोल दिए, जनता की ताकत दिखा के, जनता आपके साथ खड़ी है, आपको कैसे भी बनाया हो किसी ने, किसी भी माध्यम से बनाया हो, कितने भी आपके संबंध रहे हो, आपको बनाया हो, लेकिन अब आप भारत के संविधान के तहत देश की जनता के साथ रह के ईमानदारी से काम कर। सर, पहले भी आपने बंधक मुक्त कराने के लिए अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? आज आंदोलन का ऐलान किया है ना, पूरी देश की जनता सड़क पे आएगी, 90% देश की जनता सड़क पे आएगी,
तब पता लग जाएगा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोगों को पेपर बैलेट से क्या दुश्मनी है। पेपर बैलेट से नहीं जीतेंगे क्या मोदी जी? एक दिन पहले तो ट्रेनें रद्द की जाती हैं, पैसे आएंगे लोग यहाँ पे पैदल चल के आएंगे। हम सब संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, पैदल चल के आएंगे। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, कितने गुंडे बिठा लो, कितने अपने भ्रष्ट अधिकारियों से हम पे गोली चलवा लो, हम पैदल चल के आएंगे और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जो चोर हैं वो बैलेट पेपर के विरोध में है और जो ईमानदार देशभक्त हैं वो बैलेट पेपर के खिलाफ। सर, पहले भी आपने ईवीएम की जो हैकिंग थी उसका खुलासा किया था और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? अब ये आंदोलन खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी शायद एक तरीके से जनता की तरफ टकटकी लगा के देख रही है कि क्या। देखिए, जज लोया का भी एक बड़ा एग्जाम्पल देश और दुनिया के सामने है। तो ये सब काम किस लिए किए जाते हैं? एक टेरर का माहौल बनाने के लिए। आतंकवादी टेरर का माहौल बना के सब लोगों को दबाते हैं। टेरर करने से ज्यादा टेरर का माहौल बनाना खतरनाक होता है। वो टेरर का माहौल बना रखा है। अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के घर रोज रेड कराई जा रही है। भाई रुक जाओ, इलेक्शन तक तो रुक जाओ, भाग जाएगा कोई? जो भाग गए तुम्हारे मित्र, तुमसे मिलते जुलते नामों वाले मित्र जो भाग गए तुम्हारे, उनको पकड़ लाए तुम? क्या नहीं लाए ना? क्यों? क्योंकि उनसे तुम्हारा कुछ ना कुछ संबंध है। जो यहाँ पे बैठे हैं चोर, अभी उनको पकड़ रहे हो? जो तुम्हारी पार्टी से कनेक्टेड चोर हैं, जो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, जो लूट मचा रखी है, उनको पकड़ रहे हो? उनको छुटवाने की कोशिश कर रहे हो? एक देवेंद्र पाल भुल्लर जी थे ना, सबको पता है ना उनके ऊपर क्या इल्जाम था? उनकी बेल कराई ना एनआईए ने, एनआईए का काम है चार्जशीट समय पे साइन न करके बेल कराई ना, ये काम है एनआईए का। तो ऐसे ऐसे काम आप कर सकते हो और जनता को बेवकूफ समझ सकते हो? ऐसा नहीं होगा, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जाग गई है। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी, नहीं होने देगी, नहीं होगी, और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। जो जीतना चाहता है वो बैलेट पेपर से भी जीत जाएगा, ईमानदारी से।